मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है वचन। यहाँ वचन का मतलब वादा वाला वचन नहीं है जो हम किसी को वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। यहाँ वचन का मतलब ये है नंबर, संख्या। और किसकी संख्या? नाउन की संख्या या संज्ञा की संख्या। तो जो भी नाउन वाले शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा वाले शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एकवचन में और बहुवचन में। तो वो एकवचन और बहुवचन क्या होते हैं, बस यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही आसान और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। देखिए, आपके सामने एक सर्कस का दृश्य है। ये जो दृश्य है ये एक सर्कस का है। आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन कौन सी वस्तुएं अनेक हैं, यानी आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं। संख्या बताने वाले यही शब्द वचन होते हैं, ठीक है। आप इस चित्र को देखिए और चित्र में बताइए कौन कौन सी संख्या एक है और कौन कौन सी अनेक है। जैसे देखो, ये है सर्कस का भालू और सर्कस में एक ही भालू है, तो ये एक है। ये है सर्कस का बंदर, एक ही बंदर है। ये है साइकिल, जो एक है। ये है गेंद, ये भी एक है। और ये है जोकर, ये एक नहीं है क्योंकि पीछे एक और जोकर है, तो जोकर कुल मिलाकर हो गए दो। तोते, तीन तोते हैं। शेर, शेर भी तीन हैं, तो ये एक से ज़्यादा हैं। और जो बच्चे हैं, जो दर्शक हैं, वो भी एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। और जोकर के हाथ में ये जो चीज़ें हैं जिन्हें वो ऊपर उछाल रहे हैं, आई थिंक गेंद ही हैं, तो ये भी तीन हैं। तो ये गेंद अलग है और ये वाली गेंदें अलग हैं। तो देखिए, एक कौन कौन सी चीज़ें हैं। भालू है एक, बंदर एक है, साइकिल एक है, और जो बड़ी वाली गेंद है वो एक है। और अनेक कौन सी चीज़ें हैं। जोकर दो हैं, तोते तीन हैं, शेर भी तीन हैं, दर्शक तो बहुत सारे हैं, और ये जो घुमा रहे हैं ये गेंद नहीं है, ये हैं फल। तो देखा आपने कि एक पिक्चर में से एक कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने ये निकाल ली हैं, और अनेक कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये भी हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पिक्चर देने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, जिसमें से आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें से एक कौन कौन सी चीज़ें हैं और अनेक कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। सारे बच्चों को पिक्चर देखनी है और पिक्चर देखकर ये पता लगाना है कि इसमें से एक कौन सी चीज़ें हैं और अनेक कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं वचन की परिभाषा पर। क्या है परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। और वचन का अर्थ होता है संख्या बताने वाला, है ना सिंपल। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस शब्द से उसकी संख्या का पता चले उसको हम वचन कहते हैं या वह वचन कहलाता है। और वचन का अर्थ है संख्या बताने वाला, ठीक है। आगे देखिए, वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर पिक्चर में किया था कि कुछ चीज़ें एक होती हैं तो उन्हें एक वचन कहते हैं, और कुछ चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं तो उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन का अर्थ है संख्या में एक होना। अगर कोई चीज़ संख्या में एक है तो वो एक वचन है। जैसे गमला एक है तो ये एक वचन है। किताब एक है तो ये एक वचन है। लड़की एक है तो ये एक वचन है। तो ऊपर दी गई वस्तुएं तथा प्राणी संख्या में एक एक हैं, अतः इन्हें एक वचन कहा जाएगा। अगर ये एक से ज़्यादा होते तो हम इसे गमला नहीं लिखते, तो हम इसे क्या लिखते? गमले।
अगर ये एक से ज़्यादा होती तो हम इसे किताब नहीं लिखते, तो हम इसे क्या लिखते? किताबें। अगर ये एक से ज़्यादा होती तो हम इसे लड़की नहीं लिखते, फिर हम इन्हें क्या लिखते? लड़कियाँ। ठीक है, अब बहुवचन देखते हैं। तो बच्चों, एक वचन की परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु के, शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब आप जो शब्द लिख रहे हैं उस शब्द से अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो वस्तुएं कितनी हैं, एक हैं या अनेक हैं, तो उस शब्द को एक वचन बोलते हैं। अब बहुवचन देखते हैं। बहुवचन का अर्थ होता है संख्या में बहुत होना, बहुत होने का मतलब एक से अधिक होना। अगर कोई चीज़ संख्या में एक से अधिक है तो वो बहुवचन है। जैसे यहाँ देखिए, गमला एक नहीं है, तीन है, तो हैं ये गमले। किताबें तीन हैं तो किताबें, और लड़कियाँ भी एक से ज़्यादा हैं तो लड़कियाँ। तो ऊपर दी गई वस्तुएं तथा प्राणी संख्या में एक से अधिक है, अतः इन्हें बहुवचन कहा जाएगा। तो शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब अगर कोई शब्द हमको ये बता रहा है कि जो वस्तु है वो संख्या में एक है या अधिक है, है ना, तो एक है तो एक वचन, और अगर अधिक है तो बहुवचन। अब देखिए, आगे वचन को हमें परिवर्तित करना होता है एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ नंबर, नंबर को कन्वर्ट करने के, कन्वर्ट करने का मतलब बदलने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बच्चों, वैसे तो हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और हमारी मदर लैंग्वेज भी है, तो हिंदी में हमें यह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एक वचन को बहुवचन में बनाने के नियम क्या हैं। हाँ, इंग्लिश में अगर हम सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स पढ़ें तो ठीक है, हिंदी में तो बिना रूल्स के हमको पता होता है कि हमको बहुवचन कैसे बनाने हैं। जैसे देखिए, नहर, अब नहर एक वचन है, और अगर बहुत सारा होगा, बहुत सारी नहरें होंगी, तो क्या बोलेंगे हम? नहरें, नहरें। ठीक है, तो यहाँ हमने जो अ है, आ, रा के साथ, उसको ए में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक, तो पुस्तकें, आ है ना, आ को ए में कन्वर्ट कर दिया, तो आ का ए बनाना। बात, यहाँ आ है तो इसको हमने ए में कन्वर्ट कर दिया, बातें। आँख, यहाँ आ है इसको हमने ए में कन्वर्ट कर दिया, आँखें। तो जो मात्रा लगी हुई है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो उसमें स्वर छुपे हुए हैं, व्यंजनों की नहीं बात कर रहे हैं। अब देखिए, या अगर लिखा है और बहुवचन बनाना है तो बन जाता है या, जैसे चिड़िया तो चिड़ियाँ, बंदरिया तो बंदरियाँ, पुड़िया तो पुड़ियाँ, चूहिया तो चूहियाँ, है ना। आ अगर आता है तो आ में ए लग जाता है, जैसे कन्या तो कन्या ए, कथा कथाएं, माला मालाएं, माता माताएं। तो आ को ए में कन्वर्ट करना है, या को या में कन्वर्ट करना है, और आ को ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आ को ए में भी कन्वर्ट करके बहुवचन बनाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि आ को हम ये में कन्वर्ट करके बनाते हैं और ए में भी कन्वर्ट करके बनाते हैं। जैसे लड़का तो लड़के, आ को ए में कन्वर्ट कर दिया। चूहा चूहे, छाता छाते, और कपड़ा कपड़े। इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब जैसे ऊ या ओ में ए लगाकर, देखो दो तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, एक होता है बनाकर और एक होता है लगाकर। अगर बनाकर आता है तो उसका मतलब वहीं पर मात्रा चेंज हो जाती है, और अगर लगाकर आता है तो उसमें एक और अक्षर हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पढ़कर समझने वाली बात ज़्यादा मायने रखती है। वस्तु
ए जोड़ना है, वस्तुएं बदलना नहीं है। बहू, तो ये है बहुएं। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि बहू अगर लिख रहे हैं तो बड़े उ की मात्रा है, और बहुएं हो रहा है तो छोटे उ की मात्रा बन गई। गौ, गौएं। ऋतु, ऋतुएं। ठीक है, आगे हमने ई तथा ई में या लगा दिया, जैसे तिथि छोटी है, तिथियां, रीत रीतियां। अब ये है नदी, बड़ी की मात्रा है ना, तो अब इसको जब अगर आप बहुवचन में बदलोगे तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है, तो ये बन जाएगा नदियां। झाड़ी, झाड़ियां। लकड़ी, लकड़ियां। लड़की, लड़कियां। इस तरह से तो जहाँ भी बड़े उ की मात्रा होगी वो छोटे उ की मात्रा में बदल जाएगी, बड़ी ई की मात्रा होगी तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे गुरुजी तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ क्या लगा रहे हैं, चुके हैं, क्योंकि सिंगुलर होता अगर एक वचन होता तो हम ऐसा लगाते हैं ना, चुका है। जैसे लड़का होता तो हम क्या लगाते, लड़का आ चुका है, चुके हैं तो नहीं लगाते, पर गुरुजी चूंकि आदरणीय हैं इसलिए चुके हैं। पिताजी, आप कहाँ गए थे, तो पिताजी भी आदरणीय हैं इसलिए हमने लगाया गए थे। ठीक है, अगर लड़का होता तो लड़के के लिए क्या बोलते कि लड़का कहाँ गया था, तो आथा लगाते ना, एथे तो नहीं लगाते क्योंकि वो सम्माननीय नहीं है। तो बस यहाँ पर यही है कि भले ही शब्द आपका एक वचन है लेकिन सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो पहले से ही बहुवचन होते हैं। आंसू, एक गिरे तो भी और बहुत सारे गिरे तो भी आंसू ही बोलेंगे। दर्शन, किसी के दर्शन करना। प्राण, जीवन। हस्ताक्षर, बाल, ये सब बहुवचन के रूप में ही रहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं जैसे दूध, पानी, तेल, बारिश। दूध, पानी, तेल, बारिश। तो आपने देखा ना, जो पदार्थ हैं गीले तरल पदार्थ हैं उन्हें आप हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि दूध का बहुवचन क्या होगा, दूध का बहुवचन कुछ नहीं होगा क्योंकि दूध हमेशा एक वचन में ही यूज होता है, उसका बहुवचन हम बनाते ही नहीं है। इसी तरह से भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन के रूप में किया जाता है। जैसे आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी है, मिठास, खटास, शत्रुता, ठंडक, सुंदरता, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं को भी हम विशेषण बहुवचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप दोनों ही वचनों में समान रहता है, जैसे नाना एकवचन और बहुत सारे हैं अगर नाना तो भी हम बोलेंगे नाना। मामा, मामा। पिता, बहुत सारे सबके पिता हैं तो भी पिता बोलेंगे, बहुत सारे सबके दादा हैं तो दादा बोलेंगे। राजा, राजा ही बोलेंगे। सम्राट, सम्राट। चाचा, चाचा। बाबा, बाबा। तो इस तरह से आपने देखा रिश्ते वाले जो शब्द हैं वो एक वचन में और बहुवचन में दोनों में ही एक जैसे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और जो भी उसमें याद करने जैसे शब्द आए हैं उनको आप ढंग से अच्छे से याद कर लीजिए और सबकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। जैसे गुरुजी तो एक ही हैं लेकिन फिर भी हम उनके साथ क्या लगा रहे हैं, चुके हैं, क्योंकि सिंगुलर होता अगर एक वचन होता तो हम ऐसा लगाते हैं ना, चुका है। जैसे लड़का होता तो हम क्या लगाते, लड़का आ चुका है, चुके हैं तो नहीं लगाते, पर गुरुजी चूंकि आदरणीय हैं इसलिए चुके हैं। पिताजी, आप कहाँ गए थे, तो पिताजी भी आदरणीय हैं इसलिए हमने लगाया गए थे। ठीक है, अगर लड़का होता तो लड़के के लिए क्या बोलते कि लड़का कहाँ गया था, तो आथा लगाते ना, एथे तो नहीं लगाते क्योंकि वो सम्माननीय नहीं है। तो बस यहाँ पर यही है कि भले ही शब्द आपका एक वचन है लेकिन सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आंसू, दर्शन, प्राण,
हस्ताक्षर, बाल आदि शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो पहले से ही बहुवचन होते हैं। आंसू, एक गिरे तो भी और बहुत सारे गिरे तो भी आंसू ही बोलेंगे। दर्शन, किसी के दर्शन करना। प्राण, जीवन। हस्ताक्षर, बाल, ये सब बहुवचन के रूप में ही रहते हैं। कुछ शब्द सदा एकवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, बारिश। दूध, पानी, तेल, बारिश। तो आपने देखा ना, जो पदार्थ हैं गीले, तरल पदार्थ हैं, उन्हें आप हमेशा एकवचन के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि दूध का बहुवचन क्या होगा, दूध का बहुवचन कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूध हमेशा एकवचन में ही यूज होता है, उसका बहुवचन हम बनाते ही नहीं है। इसी तरह से भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन के रूप में किया जाता है। जैसे आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी है, मिठास, खटास, शत्रुता, ठंडक, सुंदरता, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं को भी हम बहुवचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप दोनों ही वचनों में समान रहता है, जैसे नाना एकवचन और बहुत सारे हैं अगर नाना तो भी हम बोलेंगे नाना। मामा, मामा। पिता, बहुत सारे सबके पिता हैं तो भी पिता बोलेंगे। बहुत सारे सबके दादा हैं तो दादा बोलेंगे। राजा, राजा ही बोलेंगे। सम्राट, सम्राट। चाचा, चाचा। बाबा, बाबा। तो इस तरह से आपने देखा, रिश्ते वाले जो शब्द हैं वो एकवचन में और बहुवचन में दोनों में ही एक जैसे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और जो भी उसमें याद करने जैसे शब्द आए हैं उनको आप ढंग से अच्छे से याद कर लीजिए और सबकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।